इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा डीएम आते मुझे भाई लोगों के, भाई आप ये बताओ फेस को स्मूथ कैसे करते हो, वो भी मोबाइल फोन से। गाइस बहुत सारी वीडियो अपलोड है ऑलरेडी यूट्यूब पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारा भाई लिया है प्रॉपर वीडियो भाई आपके लिए, भाई प्रॉपर वीडियो प्रैक्टिकली सब कुछ वीडियो में कवर करने वाला, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक नहीं करता भाई क्या कर रहे हो, लाइक करो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन पर गाइज हम ओपन हो चुके, तो ओपन होने के बाद गाइज जो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो करनी है गाइज ओरोडा स्केचबुक का, ये है प्ले स्टोर पर अवेलेबल, जाके डाउनलोड कर लेना। ओरोडा स्केचबुक इंटरफेस देख लेना कुछ इस टाइप से पेंसिल सा इंटरफेस है। तो गाइज हम ओपन करते, तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपको एक गाइज फोटो सेलेक्ट कर लेनी है, फोटो सेलेक्ट करने के बाद गाइज ये थी हमारी फोटो। नॉर्मली गाइज इस पर करने वाले हैं हम फेस स्मूदिंग। गाइज देख सकते हो कितने पिंपल वगैरह, कितने डार्क स्पॉट है हमारे फेस पर, सब कुछ इस वीडियो में तुम्हारा भाई कवर कर देगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पिंपल वगैरह डार्क स्पॉट वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। तो गाइज वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट डाउन करके बताना वीडियो कैसी लगी। सो गाइज वीडियो में बने रहिए। सो गाइज आपको काम क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर लेयर पर, तो लेयर सेक्शन मिलता है गाइज आपको ऊपर तेरा दोस्त, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस पर आपको गाइज फोटो पर एक बार दोबारा क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको गाइज यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो डुप्लीकेट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर दो लेयर हो जाएंगी। तो गाइज आपको आना है गाइज पेंसिल वाला आइकन पर, तो ये आपको मिल जाता है पर, तो एरो बना रहा है तुम्हारा भाई सब कुछ इस वीडियो में, तुम्हारा भाई प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे गाइस बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं, तो ओपन होने के बाद गाइस आपको मिलता है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे स्मज वाला ऑप्शन, तो ये था हमारा स्मज वाला ऑप्शन। और गाइस इसमें आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, दूसरी लाइन में दूसरा ब्रश, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है बराबर में सेटिंग, तो इसकी सेटिंग देख लेना गाइस। आपको फ्लो जो रखनी है वो रखनी है गाइस 8, और स्ट्रेन जो रखनी है वो रखनी है 7, और जो साइज रखना है वो आप अपने हिसाब से रख लेना, छोटा वाला जो भी आप रखना चाहो। तो साइज तुम्हारा भाई बताएगा, जितना आप छोटा रखो उतना ही आपको कवर करने लगेगा बिल्कुल फेस स्मूथिंग बहुत आसान तरीके से। तो गाइस यहाँ पर आपको फोटो को जूम करना है, जूम करने के बाद गाइस आपको ब्रश इस टाइप से चलाना है, तुम्हारा भाई बताता है पहले ड्रॉ करके। तो गाइस आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ब्रश चलाना है, कुछ पहले गाइस आपको ऐसे चलाना है और फिर गाइस आपको ऐसे चलाना है। तो ऐसे ऐसे अभी मत चलाना, पहले ऐसे ऐसे चलाना। तो गाइस तुम्हारा भाई बताता है कैसे कैसे चलाना है। तो गाइस हम ब्रश की जो साइज़ है वो थोड़ी हल्की बड़ी कर लेंगे, बड़ी करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर हमारा ब्रश थोड़ा और छोटा लग रहा है, इसे गाइस हम ब्रश को बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको गाइस स्मूदिंग करनी है, बिल्कुल जहाँ जहाँ आपको स्मूदिंग करनी है वहाँ वहाँ बस आपको जैसे तुम्हारा भाई ने बताया ब्रश ऐसे आपको चलाना है बिल्कुल सीधा सीधा। ओके तो गाइस आपको वैसे दिख रहा होगा फ़र्क हल्का हल्का, तो तुम्हारा भाई बताता है तुम्हारा भाई। तो यहाँ से हमने स्मूदिंग करी है, तो गाइस आपको कुछ इस टाइप से पहले यहाँ से माथे से बिल्कुल सीधा सीधा आपको ब्रश चला देना है। तो गाइस ऐसे आप ब्रश चलाओगे तो आपकी स्मूदिंग जो गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगी। आपने फोटोशॉप जैसे फोटोशॉप में होती है ना स्मूदिंग, ऐसे गाइस यहाँ पर तुम्हारा भाई बताता है। ओके तो यहाँ पर क्वालिटी को बिल्कुल भी लॉस नहीं होने का, आपकी फ़ोटो की जो आपकी ओरिजिनल क्वालिटी बिल्कुल वही रहेगी HD में। ओके तो तुम्हारा भाई बताता है कैसे हमारी स्मूदिंग हुई है। तो गाइस जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपका गाइस ख़त्म हो जाता है जहाँ पर आपने ऐसे ऐसे ब्रश चलाया था। तो यहाँ पर हमने ब्रश चला लिया बस, तो गाइस यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी सबके फोटो में। तो गाइस यहाँ पर जो आपकी हल्की हल्की जो लाइन आने वाली सीधी सीधी जगह जो लाइन है ये गाइस हमें रिमूव करनी है। तो गाइस इसका पहले बिफोर आफ्टर देख लेना कुछ टाइप से हमने स्मूदिंग करी है। तो गाइस इसे आपको ऑन ऑफ कर लेना है, ऑन ऑफ करने के बाद ये था हमारा बिफोर और ये था हमारा आफ्टर, ये बिफोर ये आफ्टर, इसलिए गाइस तुम्हारा भाई ने फोटो की डुप्लीकेट बनाई थी आपको दिखा सके प्रॉपरली प्रैक्टिकली गाइस। तो गाइस जैसे तो यहाँ पर हमने स्मूदिंग कर लिया, बस गाइस एक चीज़ की दिक्कत है जो हमारे डार्क स्पॉट है ना ये हल्की हल्की जो लाइन है इन्हें हमें रिमूव करनी है। तो गाइस पहले तुम्हारे भाई ने बोला था कुछ इस टाइप से आपको ब्रश चलाना है, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप खत्म हो जाता है। अब गाइस दूसरे स्टेप में आपको ऐसे ऐसे ब्रश चलाना है। तो गाइस आपको फोटो की डायरेक्शन पहले चेंज करनी होगी, तो गाइस आपको फोटो कुछ इस टाइप से घुमा लेना है। घुमाने के बाद ओके गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ब्रश चला देना है। ब्रश चलाने के बाद जो आपकी जो छोटी छोटी लाइन थी ना ये बीच में ये भी आपकी गाइस रिमूव हो जाएगी। तो गाइस हम चला लेते हैं ब्रश कुछ इस टाइप से। गाइस मुझे इसमें एक बात बढ़िया लगती है, जितना आप फोटो को जूम करना चाहो भाई कर सकते हो। ओके यहाँ पर जहाँ से आपको स्मूदिंग करनी है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मुझे इस ऐप की बहुत अच्छी बात लगती है भाई, फ़ोटो जो लगती है बहुत अच्छे से जूम हो जाती है जहाँ पर आपको फेस स्मूदिंग करना चाहो कर सकते हो। बैकग्राउंड रेस पर भी तुम्हारा भाई टोटल ले आएगा, आप कमेंट डाउन करके बताना बैकग्राउंड रेस पर भी टोटल चाहिए वो भी फुल HD में बैकग्राउंड रेस कैसे करते हैं। ओके सो गाइस
सो गाइज यहाँ पर हमने ब्रश चला लिया। ब्रश चलाने के बाद गाइज आप स्मूदिंग देख सकते हो बिल्कुल फोटोशॉप की तरह, ओके लाइक फोटोशॉप। तो ये बिफोर आफ्टर देख लेना, ये था हमारा गाइज बिफोर और ये था हमारा गाइज आफ्टर। ये बिफोर था, ये हमारा आफ्टर था। कुछ इस टाइप से हमारी स्मूदिंग हुई है, बिल्कुल प्रॉपर फेस स्मूदिंग गाइज। आप डायरेक्ट स्पॉट देख सकते हो फेस पर कितने थे पिंपल वगैरह थे, ये सब हमारे रिमूव हो चुके हैं। तो गाइज ऐसे ही आपको पूरे फेस पर कवर करना है। तो हर चीज़ का ब्रश की कंडीशन आपको समझनी होगी, पहले गाइस फुल वीडियो देख ले करो फिर आप खड़ा करो। ओके सो गाइस यहाँ पर गाइस आपको साइज थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपके दिस तो गाइस यहाँ पर जो डार्क स्पॉट थे ओके, और यहाँ पर जो हमारा लाइट पार्ट था। तो गाइस आपको डार्क स्पॉट बस यहाँ यहाँ से ब्रश चलाना है, बस यहाँ यहाँ ब्रश चलाओ जो कि गाइस हमारे डार्क स्पॉट जहाँ थे वहीं रहे, बिल्कुल नॉर्मल हमारी फ़ोटो लगे। ओके तो गाइस कुछ इस टाइप से हम डार्क स्पॉट पर फोटो चलाएंगे। गाइस कुछ इस टाइप से हमने डार्क स्पॉट पर चला लिया ब्रश बस। तो गाइस जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट है वहीं वहीं तक आप ब्रश रखो। ये था हमारा बिफोर, ये था हमारा आफ्टर। ओके सो गाइस यहाँ पर हमने स्मूदिंग कर लिया यहाँ पर डार्क स्पॉट वाली। ओके अब गाइस लाइट पार्ट बता देते हमारा भाई कवर करने वाला है। तो गाइस आपको कंडीशन समझनी होगी, फेस की डायरेक्शन समझनी होगी। जैसे गाइस हमारी फेस की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से नीचे को जा रही है, तो गाइस आपको नीचे को कुछ इस टाइप से ब्रश चलाना है। तो हमारा भाई बताता है वीडियो में, गाइस बने रहिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। एक भी स्टेप आपको मिस कर दिया तो गाइस आप फेस को स्मूथ नहीं कर पाओगे बिल्कुल प्रॉपरली। ओके तो गाइस कुछ इस टाइप से आपको डायरेक्शन समझनी होगी, बट बस डायरेक्शन का खेल है और ब्रश आप चलाओ बिल्कुल प्रॉपर। तुम्हारा भाई बता ही रहा है डायरेक्शन आपको समझनी होगी, एक एक डायरेक्शन तुम्हारा भाई इस वीडियो में कवर करने वाला बिल्कुल प्रॉपर ही। ओके तो गाइस अब यहाँ से हमारी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से, यहाँ से हमारी डायरेक्शन कुछ इस टाइप से जा रही है। तो गाइस आपको इस टाइप से आपको ब्रश चलाना है बस। गाइस आप डायरेक्शन समझो एक बार फोटो की, अपने कंडीशन की डायरेक्शन समझो, आपकी फेस की शेप कहाँ कहाँ तक जा रही है, आप स्मूदिंग बहुत अच्छे से कर लोगे बिल्कुल जैसे गाइस फोटोशॉप में होती है। ओके तो गाइस कुछ टाइप से हम स्मूदिंग कर रहे हैं, देख लो गाइस कितनी अमेजिंग हमारी स्मूदिंग हो रही है। तो गाइस पहले पिंपल वगैरह बहुत थे हमारे यहाँ पर नीचे, तो गाइस अब हमने रिमूव कर दिया बिल्कुल। तुम्हारा भाई दिखाता है तुम्हारा भाई बिफोर आफ्टर सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला है बिल्कुल भी। गाइस वीडियो फेक नहीं बनाते, तुम्हारा भाई प्रॉपर ही बनाता है सब कुछ इस वीडियो में, तुम्हारा भाई कवर करता है। जिस भाई ने बोला था भाई आप फेस स्मूथिंग पर वीडियो लाओ, तो गाइस वीडियो आ चुके भाई, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ इस वीडियो में कर देना आप। ओके ओके सो गाइस यार यहाँ पर हमने स्मूदिंग कर लिया एक पार्ट है जो हमारा फेस का डार्क था, ये गाइस हमने स्मूदिंग कर लिया है। तो गाइस का बिफोर आफ्टर चेक कर लेना, ये था गाइस हमारा बिफोर और ये था हमारा आफ्टर। गाइस यहाँ देख सकते हो कितने हमारे ज़्यादा डार्क स्पॉट है, और गाइस अब देख सकते हो गाइस स्मूदिंग कितनी हमने प्रॉपर करी है। ये बिफोर था, ये हमारा आफ्टर था। गाइस ऐसे स्मूदिंग करते हैं बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा हमने स्मूदिंग करी भी है या नहीं करी। अब देख सकते हो गाइस एक पार्ट कैसा था हमारा फेस का, यहाँ का पार्ट देख सकते हो, यहाँ का पार्ट देख सकते हो, आपको डिफरेंस खुद से दिख रहा होगा वो भी मोबाइल फ़ोन से। भाई फोटोशॉप में ऐसी स्मूदिंग होती है तुम्हारा भाई ने बता दिया, मोबाइल फ़ोन से ही। ओके सो गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ पे भी करना है गाइस, जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट है वाले जो डार्क स्पॉट है यहाँ पर आपको बस जहाँ जहाँ आपके डार्क स्पॉट है वहाँ तक आपको ब्रश चलाना है, और जो लाइट पार्ट है गाइस आपको स्मूदिंग यहाँ से कर लेनी है। सो गाइस तुम्हारा भाई वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा है, आपने समझ लिया होगा यहाँ पर हमने कैसे चलाया था, और यहाँ पर भी गाइस नॉर्मली है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए गाइस तुम्हारा भाई वीडियो की स्पीड बढ़ा रहा है, तो आप भी कर लेना। ओके सो गाइस हम हमने पूरा फेस कवर कर लिया है, कवर करने के बाद आप देख सकते हो गाइस कितना अच्छा हमने कवर कराया गाइस। ये देख सकते हो आप बिफोर और ये देख सकते हो गाइस आफ्टर, कुछ इस टाइप से हमने फेस स्मूथिंग करी है। बहुत से जने गाइस यहाँ पर रुक जाते हैं, गाइस हमारी नॉइज़ कुछ बेकार सी लग रही है गाइस, जिस तो हमारी नॉइज़ अभी फेस स्मूथिंग नहीं करी हमने नॉइज़ पर। बहुत से जने यार कमेंट डाउन करते हैं भाई हमारी नॉइज़ कुछ टेढ़ी हो गई है यहाँ पर स्मूदिंग करते करते, यहाँ पर बहुत जनों को दिक्कत आती है। तो गाइस दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी सब कुछ इस वीडियो में कवर कर देता है दोनों भाई। सो गाइस आपको जो स्मूदिंग का ब्रश है ना ये गाइस आपको छोटा करना है, पहले गाइस आपको डायरेक्शन समझ लें कुछ इस टाइप से हमारी डायरेक्शन जा रही है। तो गाइस आपको यहाँ पर नीचे से कुछ इस टाइप से ब्रश चलाना है, तो गाइस आप हल्का हल्का ब्रश चलाओ, हल्का हल्का ब्रश चलाने के बाद बस गाइस डायरेक्शन के हिसाब से चलाओ, आपका जो स्मूदिंग है वो गाइस नॉइज़ की बहुत अच्छे से प्रॉपर हो जाएगी। सो गाइस आप डायरेक्शन यहाँ से समझ लोगे, गाइस कुछ टाइप से हमारी डायरेक्शन ऊपर को जा रही है, तो गाइस आपको डायरेक्शन यहाँ से नीचे को ऊपर करना है, नीचे से ऊपर ब्रश चलाओ तो स्मूदिंग आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग हो जाएगी। यहाँ से भी गाइस आपको ऐसे चलाना है, ब्रश थोड़ा छोटा बड़ा कर लेंगे, बड़ा करने के बाद कुछ टाइप से आप ब्रश चलाओ, ब्रश चलाने के बाद आपकी स्मूदिंग है गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉपर हो जाएगी। अब गाइस डायरेक्शन हमारी ऊपर को जा रही है, तो ऊपर को जाने के बाद गाइस ऐसे आपको ब्रश चलाना है।
ऐसे गाइस कुछ स्टेप्स आपको ब्रश चलाना है। ब्रश चलाने के बाद जो आपकी स्मूदिंग है ना नोइस की, वो गाइस बहुत अच्छे से प्रॉपर कवर हो जाएगी। अब गाइस डायरेक्शन आपको कुछ टाइप समझ नहीं, तो डायरेक्शन देखते हो गाइस हमारी नोइस की कुछ स्टेप से हमारी डायरेक्शन आई है। तो गाइस हमारी नोइस जैसे पहले थी ऐसी थी, अब बिफोर था ये हमारा आफ्टर था। अब गाइस जो हमारे यहाँ से नीचे थे ये गाइस हमें रिमूव कर दें, तो आपको ब्रश कुछ स्टेप से चलाना है जैसे गाइस हमारी नोइस की डायरेक्शन है बिल्कुल नीचे को जा रही है। ओके ओके, यहाँ से भी हम गाइस कुछ इस टाइप से ही चला देंगे। चलाने के बाद आप देखते हो स्मूदिंग कितनी हमारी प्रॉपर हो गई है। तो यहाँ पर अब मैंने नॉइस की भी स्मूदिंग कर लिया है। स्मूदिंग करने के बाद आप देखते हो गाइस का बिफोर आफ्टर चेक लेना, ये था हमारा बिफोर और ये था हमारा आफ्टर। कुछ इस टाइप से हमने स्मूदिंग करी है, स्मूदिंग देखते हो कितनी अमेजिंग तुम्हारा भाई ने बता दिया। आपको गाइस स्मूदिंग ज़्यादा भी लग रही हो तो गाइस आप कम भी कर सकते हो। कुछ इस टाइप से आपको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऊपर वाली लेयर पर आपने वर्क करा था, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वालिटी का ऑप्शन। तो क्वालिटी पर आपको माइनस कर देना, जितनी आप माइनस करना चाहो वो आप कर लेना। आपकी जो स्मूदिंग है वो हल्की सी बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 80 पर छोड़ दिया ब्रश, ब्रश छोड़ने के बाद आप इसको बिल्कुल हमारे रियलिस्टिक लग रही है स्मूदिंग। ये बिफोर और ये आफ्टर, ज़्यादा कुछ नहीं करा इस वीडियो में। तो वीडियो में कवर हो चुका है हमारा फेस स्मूदिंग प्रॉपर। और के गाइस यहाँ पर हमने फेस स्मूदिंग गाइस बहुत अच्छे से करा है, बिल्कुल फोटोशॉप की तरह आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट डाउन करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो भाई यहीं तक थे हमारी वीडियो। वीडियो में भाई कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो भाई लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट डाउन करके बताना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एजेडिंग करते रहो, लव यू ऑल।